Hello students, I am Ajay sir from Ekanon School Bani, class 9, subject science, chapter 1st, okay, matter. Here the next question, tabulate the difference in the characteristics of the state of the matter. Aapne kya karna, jo bachon ne ye nahi kiya, jo sabse pehle aapko karwaya gaya tha, yehi tha, ki solids, liquid aur gas ke andar kya difference, okay. Aaj main dobara wo question ke andar aaya, to wo main karwane ja raha hu. Tabulate the difference in the characteristics of the state of matter ki characteristics mein kya difference hai. इसके अंदर आपने डिफरेंस बताना है बट किस किस फॉर्म में किस किस कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में इसको डिफरेंस बताना है रिजिडिटी की फॉर्म में कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइडिटी फीलिंग ए गैस कंटेनर शेप काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इन सभी पॉइंट्स को लेते हुए इनके अंदर डिफरेंस बताना है फर्स्ट है रिजिडिटी रिजिडिटी आपको पता है कठोरता सॉलिड्स कठोर हियर द रिजिडिटी मीन टू दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड देयर इज अ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज हाईली रिजिड ओके लिक्विड्स आर ओके इन लिक्विड्स देर इज वेरी लेस रिजिड ओके लिक्विड जो होते हैं लेस रिजिड होते हैं गैसेस नॉन रिजिड कंप्रेसिबिलिटी किसको कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड्स आर निग्लिजिबल कंप्रेसिबल लिक्विड्स आर लो कंप्रेसिबल गैसेस आर द हाई कंप्रेसिबल फ्लूइडिटी कौन सा फ्लो कर सकता है ओके बह सकता है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लिक्विड्स फ्लो विद हायर टू लोअर लेवल ओके फ्लो इन ऑल डायरेक्शन ये ऑल डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सकते हैं ये उसी लिक्विड उसी डायरेक्शन फ्लो करते हैं हाई से लो की तरफ जैसे टंकी जो होती है टंकी आपकी होती है वो ऊपर पड़ी होती है तो उससे जो वाटर है वो नीचे की तरफ आता है आपका जो फर्श की तरफ पानी डालते हो तो उसके ऊपर वो उसी डायरेक्शन फ्लो करता है कि लेवल जो फर्श का होता है ऊपर ज़्यादा होता है और कम की तरफ फ्लो करता है गैसेस ओल्ड डायरेक्शन के अंदर फिलिंग ए गैस कंटेनर सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर टू कंटेन दम ओके सॉलिड्स फिल नहीं करते कंटेनर को लिक्विड कंप्लीटली कर जाते हैं गैसेस भी कर जाते हैं शेप इनकी सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जिस शेप में डालते हैं उसी में ले लेते हैं उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं गैसेस नॉट हैव डेफिनेट शेप गैसेस की डेफिनेट शेप नहीं होती काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स हैव मोर देन सॉलिड्स ओके इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है लिक्विड के अंदर ज्यादा होती है गैसेस के अंदर मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी आपको बताया ना पार्टिकल के अंदर मोशन कितना होता है डेंसिटी होता है पार्टिकल कितना पास आपस में सॉलिड्स में के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड गैसेस हैव लीस्ट डेंस ओके जो गैसेस होते हैं सबसे कम डेंस होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट गैस उस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देता है जिसके अंदर रखा जाता है क्यों ओके बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लार्ज इंटरमोलिक्यूल स्पेस ज्यादा होता है और पार्टिकल निग्लिजिबल इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन ही होता है पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं और उस कंटेनर के अंदर अपना पूरा जिस कंटेनर में डाला जाता है उसके पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इसी सेम रीजन है गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं वॉल की तरफ बाहर निकलना चाहते हैं तो इसलिए व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विच हैव बीन हाई काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर दे एक्सर्ट सम फोर्स पर यूनिट एरिया ओके ये क्या है फोर्स की डेफिनेशन है फोर्स क्या होती है प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं ओके देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर प्रेशर होता है पी बाय में ए दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रेशर ओके नेक्स्ट है ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड वुडन टेबल को सॉलिड ही क्यों कहा जाता है बिकॉज इट इज रिजिड क्योंकि ये रिजिड होता है इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इनका एक फिक्स शेप होती है वॉल्यूम होता है इट इज नॉट कंप्रेसिबल कंप्रेस नहीं कर सकते उसके ऊपर आप कोई भी सामान रखते हो आसानी से रख सकते हो इट हैज एनी नंबर ऑफ द सरफेस इसके काफी नंबर ऑफ सरफेस होते हैं और लिक्विड का एक ही सरफेस होता है ओके और गैस का कोई सरफेस नहीं होता We can easily move our hand in air, but do not the same throw a solid block of wood. We need to karate expert. Okay? अब आप देख रहे हैं कि आप एयर में से हाथ को इस हिला सकते हो बट किसी भी
सॉलिड मटेरियल के अंदर हैंड को नहीं हिला सकते. क्यों? द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूल स्पेस. गैस के मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस बहुत ज्यादा होता है एंड नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, और जो फोर्स होती है बहुत ज्यादा कम होती है. हैंड्स वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर. एयर के अंदर हम इजिली हैंड को हिला सकते हैं. वेयर द इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड्स आर वेरी स्मॉल एंड द इंटरमॉलिक्यूल फोर्स आर वेरी लार्ज. ओके, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस जो होता है स्मॉल होता है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स लार्ज होती है. एंड से लोट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू सेपरेट द सॉलिड. ओके, आपको सॉलिड को सेपरेट करने के लिए काफी फोर्स चाहिए, इसलिए आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है. तो आज तक हम इतना ही करेंगे, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो ये आपके पास जो दो क्वेश्चन है आपने अच्छे से करने हैं और लिख के देखने हैं. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर.